हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इस टाइम जी फुल लश कंडीशन में जी जा रहा हूँ जी। ये देखें, वाशेज लगाई हुई है, ऐनक शनक लगाई है, और गैस करने के मैं कहाँ जा रहा हूँ जी। मैं चलो बता देता हूँ जी आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ जी इस टाइम डेयरी फार्म के ऊपर जी, गायों को नहलाने। आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि मैं गायों को कूच रहा हूँ जी सर्फ लगा के। देखें, बिजनेस में सारा कुछ करना पड़ता है, सिर्फ कारें शारें जब बंदा छूटता है ना, चलाता है, इंजॉय करता है, तो काम भी करने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं जा रहा हूँ जी फार्म के ऊपर, और वहाँ जाके हमने एक गाय को नहलाना है, बल्कि सारियों को नहलाना है। उनमें से एक गाय हमने सेल करनी है, वो आपसे शेयर करूँगा। अगर किसी बंदे ने वो गाय लेनी हुई तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। रेड फ्रीजन गाय है, और इंतहाई आउट क्लास किस्म की, इंतहा दर्जे की आउट क्लास किस्म की गाय है जी। हमारी वीडियो सारी देखनी है, स्किप नहीं करनी, और चैनल को प्लीज कर देना आप लोगों ने सब्सक्राइब। हाँ जी, चेक करें जी, हम जरा अपनी गाय को जी नहला रहे हैं अच्छे तरीके से, इसको वाश कर रहे हैं जी सर्फ के साथ। ये देखें जी, सर्फ है, ये हो गई थी बड़ी गंदी। अभी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह ताला ये लश कंडीशन में आ जाएगी जी। क्यों शरोज, शरोज गाय को वाश कर रहे हैं हम, आपने भी करना है वाश, आपका दिल कर रहा है नहाने को। चलो पहले इसको तो वाश कर लें। हाँ जी, इन सारियों को जो बारी बारी करेंगे जी हम वाश इंशाल्लाह ताला जी। मेरा बेटा जी, आपने भी वाश होना है, बाहर जाके वाश नलके के नीचे। हाँ जी, ये बच्चा कह रहा जी मैंने बाहर जाके, शहरोज नाम है इसका, शहरोज बेटा कह रहा जी बाहर जाके मैंने वाश करना है नलके के नीचे। ये मेरे साथ आया हुआ जी आज, और देखें जी हम अपनी गाय को जी इंशाल्लाह ताला चिट्टा गोरा कर देंगे जी आज। हाँ जी, इस गाय को जी हमने फार सेल पे लगाया हुआ है, रेड फ्रीजन गाय है जी, बड़ी चोटी की और बड़ा हाइट है इसकी, माशाल्लाह ऊंचा लंबा कद है जी, और अल्लाह खैर रखे जी। इसकी कीमत आपसे शेयर करते हैं अभी थोड़ी देर तक। पहले हमारी दूसरी दो तीन गायें हैं, वो भी ज़रा चेक करें, शौक करें। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो शौकीन है जी। और दूसरी गाय आ रही है, वो भी ना आगे नहलाता है उसको जी, रंजन अभी, तो इसकी कीमत आपसे शेयर करते हैं जी थोड़ी देर तक जी। चलो ठीक है। हाँ जी, पीछे से पाइप उतर गया जी। हाँ जी, पाइप लाना भी कोई सौखा काम नहीं है, बड़ा औखा काम है। माशाल्लाह फुल प्रेशर वाला पानी आ रहा है हमारा, मेरे में बैल जी ने पैजे पानी। ओ दाड़ी खैर हो जाए, इधर आ यार, आके घुट दे रहा है, फिर उतर जाना है। हाँ जी, ये जी हमारी तूड़ी का स्टॉक जी पड़ा हुआ। हाँ जी, इस रेड फ्रीजन गाय की डिमांड हम कर रहे हैं 3.5 लाख रुपया, और ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है जी, और इंशाल्लाह ताला जब ये फुल तैयार होगी तो ये 5.5 लाख रुपए की सेल होगी जी। हाँ जी, अब हम आ गए हैं जी बाहर, क्योंकि शहरोज़ कह रहा था मैंने नलके के ऊपर जाके नहाना है जी, तो इसको थोड़ा ज़रा ठंडा कर लूँ, फिर अंदर जा कर ना आपको अपनी दूसरी गाय चेक करवाता हूँ जी, और उसी की भी पूरी डिटेल आपसे शेयर करते हैं। बड़ी खूबसूरत गाय है माशाल्लाह। तब तक आप हमारा ये नज़ारा देखें ज़रा फ्रंट का जी।
आ गई हमारी माशाल्लाह जी वाइट फ्रीजन गाय है जी, और ये भी प्रेग्नेंट है जी और पाँचवें महीने के अंदर है। और अगर किसी बंदे ने शौक रखता और लेनी हो तो हमसे रब्ता कर सकता है जी, नंबर वीडियो के ऊपर आ रहा है जी आपके सामने। यार पानी नहीं मेरा अगे जा रहा इतों ना, असल च पानी नहीं जा रहा इतों ना, वो जो बांस मार देना तो पानी निकल जाएगा माशाल्लाह। वेख एडा मोटा बांस पिया, वो पैप पिया, कुछ ना कुछ तो मारना बिच। अच्छा खैर हो जाए, रोज कैसे वाश हो रही है गाय है? हाँ इसको वॉश कर रहे हैं हम, इसको वॉश कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। गायों का बिजनेस बड़ा महंगा बिजनेस है जी, अगर आप लोगों ने करना है तो सोच समझ के कीजिएगा, इसमें बड़े पैसे चाहिए, बड़े सारे पैसे। हाँ जी इस तरह की गायें बड़ी महंगी आती हैं, और इनके खाने पीने का सामान भी बड़ा महंगा आता है। ज़रूर बिजनेस में करें, अगर आपके पास पैसे हैं, काफ़ी सारे पैसे हैं तो इस बिजनेस में आ जाएँ जी, और फिर इस तरह करें हमारी तरह आप मेहनत, और मेहनत कर करके गायों नवा नवा चिट्टियाँ कट के तो फिर इनका दुध लो जी, चिट्टा सफेद दुध। हाँ जी माशाल्लाह जी ये भी देखें हो गई है फ्रेश जी गाय है। अच्छा कह रहा जी गो गो, यानी कि वापस जाएं अब घर। भैया पानी मार दे इतने फिर एक बार, सिर तो ही मारी सिर्फ, इन्हें अपना काम पा दिता है ना, मैं तूड़ी जाके ना ला। शरोज चले अब घर, ठीक है शरोज को लग गई है जी बड़ी भूख जी, अब हम जा रहे हैं जी घर। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।